नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पूनम सिंह रेसिपीज़ में। अब मैं पूनम आज आप लोगों के लिए एक नई डिश लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। ये है गट्टे का पुलाव और ये मारवाड़ी लोगों का स्पेशल डिश है फ्रेंड्स। तो कैसे बनी है ये रेसिपी, चलिए देखते हैं पूरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप, मिस ना कीजिएगा। एक भी सामग्री मिस हुई तो स्वाद में अंतर आ जाएगा फ्रेंड्स। तो हम इसके साथ बनाए हैं प्याज, हरे प्याज का रायता और ये है गट्टे का पुलाव। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बासमती चावल लेंगे लंबा दाना और इसको अच्छी तरह से साफ़ करके हमें इसे 15 से 20 मिनट तक पानी में सोख होने के लिए छोड़ देना है फ्रेंड्स। इसका गंदा पानी हम निकालेंगे और साफ पानी में इसे हमें डुबोकर छोड़ देना है। तो पुलाव इससे है कि बिल्कुल खिला खिला बनता है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको साइड करते हैं और अगली सामग्री को हम तैयारी करते हैं। तो यहाँ हम ले लेंगे धनिया, सौंफ सब छोटे वाले चम्मच, एक एक चम्मच, काली मिर्च और यह है कसूरी मेथी, और इसके साथ हम ले लेंगे चिली फ्लेक्स और डालेंगे इसमें हम 5-6 लौंग और सबको क्रश कर लेंगे अच्छी तरह से। आप खलबट्टी में या मिक्सी में भी दरदरा क्रश कर सकते हैं। फिर जीरा इसमें डालेंगे, जीरा इस छूट गया था तो फिर से हम जीरा डालकर इसको क्रश कर रहे हैं क्योंकि क्रश जो है इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसको हम डालेंगे बेसन में, गट्टे में डालेंगे। तो यहाँ हम एक बड़ा बोल ले लिए हैं, इसी में डालेंगे एक बड़ा बोल बेसन जिससे हमें गट्टे बनाने हैं। तो इसी में सारा क्रश मसाला हम डाल देंगे। आप चाहें तो पिसा हुआ भी डाल सकते हैं लेकिन इसका जो दरदरा रहता है उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसी में हम डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे इसमें और मिर्ची डालेंगे हम इसमें। आपको तीखा पसंद है फ्रेंड तो तीखा ज़्यादा डाल सकते हैं मिर्ची। यहीं पर हम डाल दिए हींग थोड़ा सा और सरसों तेल इसमें डालेंगे। आप चाहें तो घी या रिफाइंड में भी बना सकते हैं लेकिन सरसों तेल का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है गट्टे में। और इसमें हम ले लेंगे फ्रेश दही, दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, और अजवाइन भी आप इसमें क्रश करके डाल सकते हैं तलहथी पे। तो इसको हम एक कड़ा डो बनाएंगे, पानी हमें बिल्कुल नहीं डालना है, जितना भी दही में ये सना जाए इसका एक हार्ड डो तैयार करना है हमें। तो अच्छी तरह से मसल कर और एक चिकना डो हम बना लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए ये यहाँ हम बेसन का डो तैयार कर लिए हैं और इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। ऊपर से थोड़ा सा हम तेल भी डालेंगे ताकि एक स्मूथ चिकना इसका डो तैयार हो जाए। तो यहाँ आप घी भी डाल सकते हैं, तेल भी डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ सरसों का तेल डाला है फ्रेंड्स। तो देखिए ये तैयार हो गया। अच्छी तरह से इसको बिल्कुल मिला लेना है अच्छी तरह से एकदम चिकना, ताकि इसका जो हमें कंचे बनाने हैं, कंचे के साइज़ के गोली बनाने हैं फ्रेंड्स इसके। तो देखिए आप इसको लंबा लंबा बॉयल करके भी काट सकते हैं और कंचे के साइज का गोली भी बना सकते हैं, लंबा पतला भी कर सकते हैं, जो आपको इच्छा जैसा डिज़ाइन आपको पसंद पड़े आप वैसा कर सकते हैं। यहाँ हमने कंचे के साइज का गोली सारा बना लिया है फ्रेंड्स। तो देखिए बहुत ही, जितना ही इसको आप मैश कीजिएगा उतना ही सॉफ्ट गोली तैयार होगा। तो देखिए हम अजवाइन डालना भूल गए थे इसलिए हम लास्ट में अजवाइन इसमें डाले हैं गोली में, और चारों तरफ से मिला दिए हैं। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। इधर हमने पानी उबालने के लिए चढ़ा दिया था फ्रेंड्स, और इसी में हम सारे गट्टे के कंचे को डालेंगे बॉयल होने के लिए। ये पानी बिल्कुल अच्छी तरह से उबल जाना चाहिए और हाँ, डालने के साथ ही तली में चला देना चाहिए इसको कि ताकि ये चिपके नहीं। और यहाँ तैयार है, फ्लोट करने लगा इसके मतलब कि गट्टा उबलकर तैयार है। तो इसको हम जाली की सहायता से इसे पानी से निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इधर हम 10-12 कलियाँ लहसुन ले लेंगे, 1 इंच के अदरक का टुकड़ा ले लेंगे, 4 हरी मिर्च और 2 प्याज ले लेंगे फ्रेंड्स। और सबको हमें बारीक काट लेना है, मोटा नहीं रखना है। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है पुलाव में। आप चाहें तो इसका दरदरा पेस्ट भी बना सकते हैं। इधर हमने अदरक, मिर्ची और प्याज वगैरह सबको काट लिया बारीक।
प्याज को भी काट कर हम इसका अलग अलग लच्छा छोड़ा लेंगे। थोड़ा मोटा भी रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो फ्राई होकर पकना ही है फ्रेंड्स। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर तो बनता है फ्रेंड्स। और हाँ एक ज़रूरी बात कि आप लोग वीडियो फुल देखें फ्रेंड्स, बहुत लोग केवल वीडियो ओपन करके और मैसेज कर देते हैं, नाइस वैसे कैसे काम चलेगा फ्रेंड्स, थोड़ा सपोर्ट तो ज़रूरी है एक दूसरे को, तो आप फुल वीडियो वॉच करें। और इधर हम घी में बनाएंगे इसे, क्योंकि मड़वारी लोग का अधिकांश डिश जो है घी में ही पकता है, तो यहाँ घी डालकर हमने और ये सारा चीज़ फ्राई किया है। बिल्कुल इसे लाल नहीं होने देना है, ट्रांसपेरेंट ही रखना है फ्रेंड्स, लाल होने से थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है, तो इसे ब्राउन नहीं करना। इधर हम गाजर ले लिए हैं, एक गाजर ले लेंगे, मटर ले लेंगे, आपको जो सब्ज़ी पसंद है, गोभी पसंद हो, शिमला मिर्च पसंद हो, आलू पसंद हो, वो सब्ज़ी आप इस पुलाव में डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ केवल गाजर और मटर के द्वारा ही बनाएंगे। तो यहाँ गाजर भी हम रफली काट लिए हैं और फ्रेश मटर हम ले लिए हैं 150 ग्राम, और सबको हम भून लेंगे। इसी में हम डालेंगे हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सब छोटे वाले चम्मच से एक एक चम्मच डालना है फ्रेंड्स। और ये है किचन किंग मसाला, आपके पास चिकन मसाला हो, गर्म मसाला हो, आप डाल सकते हैं, बिरयानी मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ किचन किंग का उपयोग किए हैं फ्रेंड्स। और इसी में हम डाल दिए चावल जो पहले से फुला कर रखे थे, इसको हम 5 मिनट पहले पानी से निकाल दिए थे कि जो एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए चावल से। तो देखिए चावल फ्राई हो चला है, इसे ज़्यादा नहीं चलाना है फ्रेंड्स, क्योंकि इस चावल का दाना लंबा होता है तो ये टूट भी सकता है। तो यहाँ जितना चावल है, जैसे एक बोल हम चावल लिए हैं, तो 2 बोल से थोड़ा सा कम हम इसमें पानी डालेंगे, आप गर्म पानी का भी यूज कर सकते हैं। चावल पकता है तब तक इधर हम गट्टे को फ्राई कर लेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ फिर हमने घी का यूज किया है और इसी में हम गट्टे डाल दिए, आप गट्टे को काट भी सकते हैं, लेकिन सुंदर रखने के लिए हम साबुत ही छोड़ दिए हैं। तो इसे चला चला कर हमें गोल्डन ब्राउन भून लेना है। इसी में हम 15-20 काजू ले लिए हैं, थोड़ा सा किशमिश ले लिए हैं, और इसको भी हम साथ में फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, और चावल भी हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर ही पकाना है। अभी थोड़ा सा कच्चा है और नीचे पानी भी है, अब इसी समय हम डाल देंगे गट्टे को और काजू को, जो पानी के मॉइस्चर से थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और उसका फ्लेवर भी गट्टे में आ जाएगा चावल घी का। तो करीब 2 से 3 मिनट तक हमें ढक के रखना है, और इसी पर हम डाल देंगे धनिया की पत्ती जो इसके स्वाद में 4 चांद लगाता है फ्रेंड्स। चावल पकता है तब तक हम इधर कर लेते हैं रायता की तैयारी। तो हम यहाँ ले लेंगे प्याज और प्याज की पत्तियाँ, इसे पतले पतले स्लाइस में हम प्याज को काट लेंगे। हम पहली बार प्याज का रायता बना रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी लगता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो प्याज बिल्कुल बारीक काट लेना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए फ्राई करने में। तो यहाँ पत्तियों को भी हमने काट लिया है पतला पतला, और प्याज को तो काटा ही है। इधर देखिए पुलाव भी बनकर तैयार है, बिल्कुल ड्राई हो चुका है, साफ दिख रहा है आप लोग को वीडियो में। तो इसे चारों तरफ से हम मिला देंगे और जो एक्स्ट्रा भाप होगा वो निकल जाएगा और सॉफ्ट रहेगा पुलाव हमारा। तो देखिए बिल्कुल खिला खिला दाना आप लोग को दिख रहा है, बिल्कुल चिपचिपा नहीं हुआ है। तो ऐसे बनाने पर सीम आँच पर बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, और चावल भी एकदम मैसी हो गया है। तब यहाँ अब इसको हम ढक कर रख देंगे और रायता बनाएंगे। तो इधर हमने 1 चम्मच ले लिया है सरसों का तेल, उसी में मिर्ची और प्याज डालकर इसे हल्का हम फ्राई करेंगे ताकि ये ट्रांसलूसेंट कलर में आ जाए, थोड़ा क्रंची भी रहे, थोड़ा सॉफ्ट भी रहे। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें प्याज का पत्ता, थोड़ा सा हम धनिया की पत्ती को भी डाल दिए हैं इसमें, और इसे भी हम सॉफ्ट होने तक भुनेंगे ताकि प्याज का कच्चापन निकल जाए। और इधर हम ले लिए हैं हल्दी थोड़ा सा,
और काला नमक ले लिए, भुना हुआ जीरा, लाल मिर्च का पाउडर 1/4 चम्मच है ये सारा, और थोड़ा सा हम इसमें प्लेन नमक भी ऐड किए हैं स्वाद के अनुसार। इसी में हम डाल दिए फ्रेश दही फ्रेंड्स, और गैस को बंद करके तब हमें दही इसमें मिलाना है अच्छी तरह से, नहीं तो गैस जलते रहेगा तो दही फट भी सकता है। इसलिए प्याज फ्राई करके आप गैस बंद कर दीजिए, उसके बाद फिर दही डालकर और फटाफट मिला दीजिए। आपका रायता तैयार है और इधर तैयार है पुलाव। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आप सबके लिए प्लेटिंग करेंगे। देखने में कितना टेम्पटिंग दिख रहा है, हमें तो बनाते समय ही भूख लग गई थी। तो देखिए इधर हम प्लेटिंग कर रहे हैं आप सबके लिए। तो कैसी ये रेसिपी लग रही है हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई रेसिपी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं वो रेसिपी बनाकर आप लोग को बताऊँ। तो देखिए तैयार है गट्टे का पुलाव और प्याज का रायता फ्रेंड्स। तो एक चम्मच पुलाव खाइए, एक चम्मच रायता खाइए और स्वाद लीजिए, आनंद उठाइए। तो फिर मिलेंगे हम अगली और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। बनाते रहिए, खाते रहिए और खिलाते रहिए। बाय बाय।